27 अगस्त 1967, हिस्ट्री में स्काई डाइविंग का सबसे बड़ा एक्सीडेंट पायलट और स्काई डाइवर्स की एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ था। स्काई डाइवर्स को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब वह प्लेन से डाइव कर चुके थे और ये सभी स्काई डाइवर्स एक्सपीरियंस थे। फिर भी पायलट और स्काई डाइवर्स ने स्काई डाइविंग की एक नियम को अनदेखा किया। डाइवर्स को तब कूदना था जब आसमान साफ हो और लैंडिंग साइट साफ दिखाई दे। इस हादसे में 16 स्काई डाइवर्स मारे गए और बचने वाले 2 डाइवर्स रॉबर्ट काय और बर्नार्ड जॉनसन ने जो कहानी बताई वो सबको हैरान करने वाली थी। इस हिस्ट्री के सबसे बड़े स्काई डाइविंग हादसे को दुनिया लेक एरी डिजास्टर के नाम से जानती है। पूरी दुनिया में 55,000 डाइवर्स पर केवल एक की मौत होती है। इनमें ज्यादातर मौतें इक्विपमेंट फेलियर की वजह से होती है, लेकिन उस दिन 16 एक्सपीरियंस डाइवर्स की एक साथ मौत हुई थी। लेक एरी अमेरिका के ओहायो स्टेट में मौजूद नॉर्थ अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी लेक है। इसी लेक से 13 मील दूर ऑर्टनर एयरपोर्ट पर वर्ल्ड वॉर टू में यूज हुए B-25 बॉम्बर मॉडिफाइड प्लेन में स्काई डाइविंग पर जाने के लिए 30 स्काई डाइवर्स एयरपोर्ट पर पहुंचे, क्योंकि उनको फ्री फ्लाइट ऑफर की गई थी। लेकिन B-25 इतना बड़ा प्लेन नहीं था कि उसमें सभी 30 स्काई डाइवर्स आ सके, तो पायलट कंस के द्वारा इनमें से 20 सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले डाइवर्स को ही सेलेक्ट किया गया। पायलट कंस को ऑर्टनर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद एक सर्कल में उड़ान भरते हुए 20,000 फीट तक जाना था और इसी एयरपोर्ट को लैंडिंग साइट टारगेट करते हुए 18 डाइवर्स को ड्रॉप करना था। इसके बाद 30,000 फीट तक ऊपर जाने के बाद बाकी बचे हुए 2 डाइवर्स को जंप करना था। इन सभी डाइवर्स की लैंडिंग साइट ऑर्टनर एयरपोर्ट ही थी। सभी डाइवर्स बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि एक बॉम्बर प्लेन से डाइव करने का उन सभी का यह पहला एक्सपीरियंस था और एक छोटा सेसना 180 प्लेन 12,000 फीट की ऊंचाई पर इन सभी स्काई डाइवर्स को कैमरे में कैप्चर करने वाला था। एक घंटे की फ्लाइट के बाद B-25 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और दोनों प्लेन क्लीवलैंड एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से कनेक्टेड थे, जो उनको उनकी लोकेशन की जानकारी दे रहे थे, क्योंकि 1960 के दशक में GPS की टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी। दोनों प्लेन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया, जिसमें B-25 को ये हेडिंग दी गई कि वो ड्रॉप जोन से 6 मील दूर है, लेकिन 12,000 फीट पर उड़ रहे सेसना को B-25 कहीं नहीं दिख रहा था और उसने B-25 की सही जगह जानने के लिए फिर से ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। तभी एयर कंट्रोल ने सेसना के पायलट को बताया कि वो अभी भी B-25 से 6 मील दूर हैं। कुछ वक्त के बाद B-25 फिर से ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करता है अपनी लोकेशन जानने के लिए और ट्रैफिक कंट्रोल रूम से ये हेडिंग आती है कि वो ड्रॉप जोन के ऊपर पहुंच गए हैं। पर रियलिटी ये थी कि B-25 प्लेन ड्रॉप जोन से लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर था। इसकी वजह यह थी कि B-25 की फ्लाइट के दौरान क्लीवलैंड कंट्रोल सेंटर में क्रू की शिफ्ट चेंज हुई थी। ड्यूटी पर आए नए कंट्रोलर एंगल स्मिथ ने B-25 के लिए रडार डिस्प्ले पर सेसना की पोजीशन को B-25 की पोजीशन समझा, जो उससे लगभग 6 मील यानी कि लगभग 9 किलोमीटर पीछे था। इसलिए कंट्रोल रूम की हेडिंग से पायलट कंस को लगा कि वह ऑर्टनर एयरपोर्ट के ऊपर वापस आ गया है। पर रियलिटी ये थी कि B-25 प्लेन ड्रॉप जोन से लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर एरी लेक के ऊपर उड़ रहा था। आसमान में बादल होने की वजह से पायलट कंस का जमीन को देख पाना लगभग नामुमकिन था। कंस ने प्लेन की स्पीड को कम किया और बॉम्बर B-25 के दरवाजे खोल दिए। एक्साइटमेंट में सभी 18 डाइवर्स ने प्लेन से छलांग लगा दी और उन सब से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। बादलों के पार नहीं देख पाने की वजह से अभी डाइवर्स को यह नहीं पता था कि वो अपने ड्रॉप जोन से बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं और क्लाउड कवर में जंप करना फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के नियमों के खिलाफ था। इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए सभी स्काई डाइवर्स ने जंप सूट्स की एक एक्स्ट्रा लेयर पहनी हुई थी। बादलों की परत लगभग 1200 से 1800 मीटर तक फैली हुई थी, इसलिए डाइव करने के 14,000 फीट तक डाइवर्स को यह पता ही नहीं चला कि वो सब पानी के ऊपर हैं। सभी ने एक साथ B-25 से जंप किया था ताकि फ्री फॉल के दौरान वे सभी अपनी फॉर्मेशन बना सके। जब उन सभी ने क्लाउड कवर को क्रॉस किया तब उनकी एक्साइटमेंट अचानक से डर में बदल गई। उनमें से बचने वाले एक ड्राइवर रॉबर्ट काय ने बताया कि वो हैरान थे, वो जमीन नहीं देख पा रहे थे और वो झील के ऊपर थे। उसने जमीन के ऊपर जाने की उम्मीद में वक्त से पहले ही अपना पैराशूट खोल दिया था। वो दूसरे पैराशूट को पानी में जाते हुए देख सकता था। जिस जगह डाइवर्स ने पानी में लैंड किया वो जगह जमीन से लगभग 10 किलोमीटर दूर थी। डाइवर्स ने एक्स्ट्रा कपड़ों की लेयर पहनी हुई थी, उसके वजन की वजह से झील में तैर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। दोनों बचे लोग रॉबर्ट और बर्नार्ड ने लैंड करने से पहले अपने जूते, भारी कपड़े और वो सभी चीज़ें उतार दी थी जो तैरती नहीं। ये वो डाइवर्स थे जो पानी पर तैर सके,
और बाद में इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। एक जंपर के पास फ्लोटेशन डिवाइस थी लेकिन वो भी किसी काम नहीं आई और इस हादसे में 16 स्काई डाइवर्स की मौत हो चुकी थी। इस एक्सीडेंट का असली कारण जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम को काम पर लगाया गया। सभी को यह जानना था कि B-25 ने सभी डाइवर्स को कहाँ ड्रॉप किया था और इस पूरी घटना के पीछे लापरवाही किसकी थी। कुछ ATC अधिकारियों का कहना था कि मौसम में बदलाव के कारण तेज हवाओं की वजह से स्काई डाइवर्स ड्रिफ्ट होकर लेक एरी पर पहुंच गए थे, लेकिन जिंदा बचे डाइवर्स ने यह बताया कि प्लेन ही गलत जगह पर था। और B-25 और सेसना के दोनों पायलटों ने कहा कि उन्हें एयर कंट्रोल द्वारा लोकेशन की गलत जानकारी दी गई है। इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ATC अधिकारियों की बात गलत थी। लगभग 20 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट होकर डाइवर्स का लेक एरिया पर जाना पॉसिबल नहीं था। एक्सपर्ट्स का कहना था कि डाइवर्स ज़्यादा से ज़्यादा 7 किलोमीटर तक ही ड्रिफ्ट कर सकते थे क्योंकि उनकी ऊंचाई और हवा की रफ्तार भी कम थी। इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि पायलट्स को लोकेशन की गलत जानकारी दी गई थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में शिफ्ट चेंज होने पर ड्यूटी पर आए नए कंट्रोलर ने सेसना प्लेन की पोजीशन को B-25 की पोजीशन समझ लिया था। रिपोर्ट्स में पायलट कंस को एविएशन के नियमों का वॉयलेशन करने का दोषी पाया गया क्योंकि उन्होंने बिना जमीन देखे डाइवर्स को जंग लगाने की परमिशन दे दी और इसमें स्काई डाइवर्स की भी गलती मानी गई। सभी डाइवर्स को 100 से ज़्यादा डाइव करने का एक्सपीरियंस था, फिर भी इतनी खतरनाक परिस्थितियों में उन सभी ने डाइव करने का जोखिम उठाया। 1972 में कोर्ट ने इन 16 डाइवर्स की मौत का जिम्मेदार फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को माना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।